वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टोनर्स नेशन ब्लॉग। आज आ गया हूँ सामने एक और एक अलग बात बताने के लिए। मैं ना स्टेटस पे वगैरह डाल रहा था कि सेव ट्रीज सेव ग्रीन, और मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ ये चीज़, बट कैसा हुआ मालूम है, अभी सेव ट्रीज इन द सेंस अपने को झाड़ बचाना है। अभी बच्चा अगर कोई भी पैदा होता है, माँ बाप के पहले सांस देने वाला झाड़ है, क्योंकि झाड़ से अपने को ऑक्सीजन मिलता है। फिर भी ये लोग ने रात को 12:30 बजे जंगल में से बुलडोजर डाल के उधर के जो लोकल पब्लिक है गांव के, उनको मार वीर के उनको जमा किए बहुत सारे। रिसेंटली मैं फेसबुक के ऊपर ना एक वीडियो देखा, तीन लड़की लोग का इंटरव्यू लिया गया कि उसके अंदर सीन ऐसा हुआ कि तीन लड़की लोग घर से निकले कि झाड़ टूट रहा है, आवाज़ आने लगी जंगल के अंदर, वो लोग बाहर आए देखे तो वो लोग को जमा किए मारे वीरे लड़की लोग को तीनों, और वो लोग को कस्टडी में करके फिर निकले दूसरे दिन मॉर्निंग में 9:30 बजे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रीज के रिगार्डिंग अगर रियॉर्ड्स कर रहे हो ना, तो आगे का फ्यूचर अपना बहुत बेकार होने वाला है। मैं जानता हूँ कि मेट्रो से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली, लाइक ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग पॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, बट वो जगह रॉन्ग है। मैं एक फ्रेंकली स्पीकिंग है कि आरे कॉलोनी एक अभी तुम लोग तो काट ही दिए डूट, अभी जिसके अंदर कौन कौन है, पॉलिटिशियंस को दोष देने का, इंसान को दोष देने का, BMC को देने का, गवर्नमेंट को देने का, मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर शायद आम जनता भी इसके अंदर जवाबदार हो सकती है कि पब्लिक ने जगह नहीं रखी कि जो ओपन ओपन जगह थी उधर भी घर बांध गए, किधर स्लम्स रेडी हो गए। सीन कैसा चल रहा है मालूम है, अपने को ट्रीज को सेव करना है, ट्रीज को सेव करना है इन द सेंस, अगर आपके घर के आजू बाजू में किधर भी जगह मिल रहा है तो एक झाड़ लगा दो। टू आवर्स में 400 से ज़्यादा ट्रीज काटे गए आरे कॉलोनी में, ये हुआ मिडनाइट में। अभी तक मैंने तो कभी किसी का सुना नहीं कि एटलीस्ट बच्चे भी अगर ऐसा लिफ्ट तोड़ता है ना तो भी उसको चिल्लाया जाता है कि रात के टाइम पे झाड़ मत काट, पत्ते मत काट, पेड़ मत काट, जो भी XYZ। तो फिर ये लोग ने क्यों किए, उसका रीज़न नहीं मालूम। बहुत सारे प्रोटेस्ट करने का था, 2 घंटे में 400 से ज़्यादा ट्रीज काटे, लेकिन 2 साल में अभी तक मुंबई के रस्ते में किधर खड्डे, एटलीस्ट मुंबई में, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे इंडिया कवर, लेकिन 2 साल में एटलीस्ट मुंबई के भी रस्ते के सारे खड्डे क्लियर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए क्लियर? अभी थोड़ा सा बारिश आएगा ना, 24 घंटा बारिश आ जाएगी ना, पूरा पानी भर जाएगा। वोट तो सब लोग देते, तो सब लोग को क्यों इसका इवेंट नहीं मिलता है? अभी मैं तो इतना सोच लिया, और आपको एक छोटा सा काम करना है, लाइक मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी मुंबई ये पूरा स्लम एरिया या फिर जो भी बिल्डिंग एरिया कैंपस है, तो अपने पास इतनी जगह नहीं लग रही है पब्लिक के पास कि एक ट्रीज को लगाओ, कोई तो ट्री के झाड़ को लगाओ, मैं छोटा सा, तो एटलीस्ट आप एक कर सकते हो, आपके पास विंडो है, आप स्टार्टअप तो करो, छोटा सा गुलाब लगाओ, तुलसी लगाओ, कोई फूल का लगाओ, कुछ तो लगाओ। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि स्टार्ट करो, अभी बस हो गया, आगे का ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत बेकार होने वाला है, बहुत मतलब ऑन नेक्स्ट लेवल। और आपको तो मालूम ही है कि और बाकी क्या क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, अमेजोन का जंगल में उधर के पीपल्स ने आग लगा के, आई डोंट नो कि वो कोई बंदे ने लगाया था कि नेचुरल इफेक्ट था, नेचुरल कैलामिटीज हो गए, सुनामी वगैरह, फिर उससे थोड़ा सा बारिश हो जाती तो पूरा बॉम्बे में फ्लड आता है। ये अगर आगे रोकना चाहिए तो आपको ट्रीज सेव करना चाहिए। थर्ड थिंग एक बात बतानी थी कि आरे कॉलोनी में ना 2 पॉइंट्स है, एक निकलता है मीठी नदी और एक है उशिवरा नदी जो पूरे मुंबई को सपोर्ट करती है। भले ही मीठी नदी आगे जाके गटर बन गया आज की डेट में, बट वो मीठी नदी का जो मेन पॉइंट है वो और उशिवरा नदी का उधर का ही है, और वहाँ के झाड़ अगर काट दिए, झाड़ क्या करते हैं, उनके रूट्स मिट्टी को संभाल के रखते हैं, तो उसके वजह से पानी पूरा प्रॉपर जाता है। और अगर ये हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का जो रेनी सीजन रहेगा वो बहुत बेकार होने वाला है। सो देख लो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो यही बात बताना चाहता हूँ, ट्रीज को सेव करो, सेव आरे, अभी आरे की तो थोड़ी बहुत तो काट लिए, 2700 अक्रॉस झाड़ पूरे काट चुके हैं, आप लोग ने पूरा नक्शा बदल दिया, अभी आगे का ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट कर लो, सेव ट्रीज सेव ग्रीन सेव लाइफ।